ओके, सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है. ओके, तो सपोज आपके पास में एम लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम दिया हुआ है, तो वो किस टाइप का होता है? a11x1 प्लस a12x2 प्लस a1n xn, a21x1 प्लस a22x2 डॉट डॉट प्लस a2n xn. और m इक्वेशंस हैं, तो हम इस टाइप से am1x1 प्लस m2x2 प्लस amn xn. और इक्वेशंस हैं तो ये समथिंग इक्वल टू भी कुछ दिया होगा, सपोज b1 b2 bn, ठीक है. ये आपको एक सिस्टम दिया हुआ है लीनियर इक्वेशंस का, जहाँ पे आपके ये x1 x2 xn, ये आपके n वेरिएबल्स है जिनकी आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है. तो इस इक्वेशन को हम एक इन शॉर्ट कैसे लिख सकते हैं? इन शॉर्ट इसको लिख सकते हैं AX=B, जहां पे ए आपका क्या होगा? मैट्रिक्स जो आपकी इन कोफिशियंट से फॉर्म होगी. तो यहाँ पे ए आपका एक मैट्रिक्स होगा m क्रॉस n का, a11 a12 a1n, ठीक है, a21 22 2n, ऐसे ही m1 m2 mn. एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स होगी. एक्स आपके ये वेरिएबल्स हो गए x1 x2 xn, जिनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है. और बी आपका ये b1 b2 bn, ठीक है. तो इन शॉर्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम AX=B से डिनोट करते हैं. अब यहाँ पे आपके बी पे दो कंडीशन हो सकती है. पहला, बी आपका जीरो हो. सेकंड, बी आपका नॉन जीरो हो जाए, ठीक है. तो बी इक्वल टू अगर जीरो हो गया तो ये तो आपका होमोजीनियस हो जाता है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. और बी अगर नॉन जीरो हो गया तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम, नॉन होमोजीनियस, ठीक है. अब हमें ये देखना है यहाँ पे कि किस कंडीशन में हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, और कौन सी कंडीशन में सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है. तो हम दोनों केसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखेंगे कि अगर आपका होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तब कैसे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर नॉन होमोजीनियस है तब कैसे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि आपका होमोजीनियस इक्वेशन, जो सॉरी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन AX=0 टाइप का हो गया. तो यहाँ पे X=0 तो सॉल्यूशन आपके पास में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, तो ये तो आपका होता है ट्रीवियल सॉल्यूशन, ठीक है. और अगर एक्स आपका नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलता है तब आपका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ओके. तो अब अगर आपका ये जो मैट्रिक्स दे दिया है ए, इसका अगर आपका जो रैंक है, रैंक ऑफ ए अगर आपका एन हो जाता है, ठीक है, तो आपका जो ट्रिवियल, यहाँ पे आपका ट्रीवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है. ट्रीवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. और अगर ये जो रैंक है आपका लेस देन इक्वल टू एन हो गया तब नॉन ट्रीवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, नॉन ट्रीवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. या फिर इसको कह सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे आपके यहाँ पे, ठीक है. और इस केस में आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा. या फिर अगर आपका एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, उस केस में आपका जो रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन है, इसका मतलब आपका जो मैट्रिक्स ए है इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, और डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो वहां पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. और रैंक अगर एन से छोटा है, मींस आपका जो डिटरमिनेंट है वो जीरो हो जाएगा, उस केस में आपके पास में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है. तो ये तो आपका केस था जब आपका होमोजीनियस हो रहा था.
अब नेक्स्ट आता है आपका कि नॉन होमोजीनियस के केस में क्या होगा। ठीक है, तो नॉन होमोजीनियस के केस में हमारा जो सिस्टम होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, AX इक्वल टू B टाइप, जहां पे B आपका नॉन जीरो होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद में एक काम हमें और करना है, वो क्या करना है कि ये जो मैट्रिक्स A है और ये B है, इसको एक साथ लिख लो। A ऑगमेंटेड B इसको बोलते हैं। ये आपकी जो मैट्रिक्स हम लोग लिखेंगे, ये आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। हमने ये वाला, मतलब आपके पास में ये सिस्टम गिवन था ए एक्स इक्वल टू बी, तो यहां से हमने ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स लिख लिया। अब हमें देखना है कि इस मैट्रिक्स की रैंक और ए की रैंक, मीन्स रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स, इनकी इक्वल हो रही है या नहीं। अगर इनकी रैंक इक्वल नहीं है, तब तो आपका जो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर इक्वल है, मींस अगर इसकी रैंक इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, देन आपका जो सिस्टम है उसके पास में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर यू यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, तो जैसे हमने होमोजीनियस में देखा था, सिमिलरली वही आपका हो जाएगा। अगर दोनों का, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक लिख दी है, यहाँ पे आए आपका इक्वल आएगा। ठीक है, तो अगर ये इक्वल आ रहा है, तो अगर ये आपका एन के इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे ए आपका एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, अगर इसका रैंक एन के इक्वल है, तब तो आपके पास में यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर लेस देन इक्वल टू एन है, तब आपके पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बस इतना ही है इसके केस में। तो यहां से हमने क्या देखा कि आपके पास में नॉन होमोजीनियस मैट्रिक्स है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे कि उसकी रैंक कैसे आ रही है। अगर ए और ए ऑगमेंटेड बी की रैंक सेम नहीं आ रही है, तब तो आपका जो सॉल्यूशन है उसका, सॉरी जो सिस्टम है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, और इस केस को हम इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट से ही क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जब आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम बोलते हैं कि आपका जो सिस्टम है ये इनकंसिस्टेंट है। और अगर आपका ए और ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स का रैंक सेम है, तो आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और इस केस में आपका जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट हो जाता है। ओके, अब अगर इन दोनों की रैंक सेम तो है, बट अगर एन के इक्वल है, मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है, तो सॉल्यूशन यूनिक होगा, और अगर लेस देन एन है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे आपके पास में। ठीक है, बस इतना ही आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो अब हम आते हैं आइगन वैल्यूज पे। ओके, सो आइगन वैल्यूज, तो सपोज आपके पास में एक लीनियर ऑपरेटर है टी, तो लीनियर ऑपरेटर है, तो ये अगर हम मैं वी वेक्टर स्पेस वी पे बात कर रही हूँ, तो ये वी से वी पे ही होगा। ठीक है, और जहां पे वी है आपका ओवर एफ एक वेक्टर स्पेस है, देन आपका ये जो लीनियर ऑपरेटर है, ये अगर टी एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स टाइप से डिफाइन है, तो यहाँ पे ये जो लेमडा होता है, ये आपका आइगन वैल्यू होता है, और ये जो एक्स होता है, ये आपका आइगन वेक्टर होता है, आइगन वेक्टर। ठीक है, तो ये आइगन वैल्यू हो गई इस लीनियर ऑपरेटर की, और एक्स आइगन वेक्टर हो गया इस लीनियर ऑपरेटर का कोरस्पॉन्डिंग टू
दिस लैम्डा, ठीक है। ये हम एक लीनियर ऑपरेटर का आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, मैट्रिक्स का अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, बट यहाँ पे लीनियर ऑपरेटर का डिफाइन कर रहे हैं। तो लीनियर ऑपरेटर केस में अगर टी ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स हो रहा है, तो यहाँ पे जो लैम्डा होता है ये आपका आइगन वैल्यू होता है, और जो एक्स है वो आपका आइगन वेक्टर होता है, ठीक है। और ये आइगन वेक्टर होगा किसके कोरस्पोंडिंग, जिस लैम्डा के कोरस्पोंडिंग आपका ये सेटिस्फाई हो रहा है उसके कोरस्पोंडिंग, ये आपका आइगन वेक्टर हो गया, ठीक है। अब आपके पास में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जरूरी नहीं कि हमेशा उसके पास आइगन वैल्यूज हो या नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे हमने लीनियर ऑपरेटर की बात की है ना। तो और मैं बात कर रही हूँ कि आपके पास में अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये मे और मे नॉट हैव आइगन वैल्यूज, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसके पास आइगन वैल्यूज हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर एग्जांपल आप लोग देखना चाहें तो एक सपोज आपने टी ले लिया कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स में, और हमारे पास यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस है ओवर आर की बात कर रहे हैं हम, और इसको मैंने डिफाइन कैसे कर दिया है, टी ऑफ एक्स इक्वल टू टू आई, है ना। तो यहाँ पे ये जो आई आ गया ये आपका लैम्डा आ गया, पर यहाँ पे ये जो आई है वहां कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स से बिलोंग कर रहा है, रियल से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवर आर आपकी जो आइगन वैल्यू है वो नहीं होगी, बट ओवर कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास जरूरी नहीं है कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसके पास आप आइगन वैल्यू हो या ना हो। जीरो वेक्टर कैन नेवर बी एन आइगन वेक्टर, ऑफ एनी लैम्डा, किसी भी लैम्डा के लिए आपका जो जीरो वेक्टर है वो आइगन वेक्टर नहीं हो सकता है। फिर आपका आता है कि ठीक है कभी भी हो नहीं सकता है, बट इन केस अगर आपका हो रहा है, ठीक है, इन केस अगर आपका जो जीरो है वो आइगन वेक्टर हो रहा है तो वो किस केस में होगा, ऑफ टी इफ एंड ओनली इफ टी इज सिंगुलर। अगर आपका जो लीनियर ऑपरेटर है वो सिंगुलर है, सिर्फ उसी केस में आपका जो जीरो है वो आइगन वेक्टर होगा, अदरवाइज आपका जीरो कभी भी किसी लैम्डा के कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है कि आपकी जो आइगन वैल्यूज है वो डिपेंड करती हैं फील्ड पे, किस फील्ड पे आप बात कर रहे हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन एफ, एफ जहाँ पे फील्ड है। जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी आई की, है ना, तो आप कोई सोचेगी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की तो बात कर रहे हैं तो आई तो यहाँ से बिलोंग कर रहा है, बट हम यहाँ पे फील्ड रियल नंबर ले रहे हैं, इसलिए आपका जो आयोटा है वो रियल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के पास में आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। यहीं पे अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते तब इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के पास में आइगन वैल्यूज हो जाती, ठीक है। तो आपकी आइगन वैल्यूज फील्ड पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस फील्ड पे बात कर रहे हैं, राइट, ओके। अब हम मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज पे आते हैं, ठीक है। सो आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो सपोज आपके पास में एक मैट्रिक्स दिया है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को इस टाइप से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये AIJ आपके किसी भी फील्ड से आ सकते हैं, रियल से आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स से आ सकते हैं, रेशनल से आ सकते हैं, किसी भी फील्ड से आ सकते हैं। उसके बाद में एक लैम्डा बिलोंग्स टू फील्ड, जिस भी फील्ड पे हम बात कर रहे हैं इसको हम आइगन वैल्यू बोलेंगे इस मैट्रिक्स की, इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो एक्स, तो एक्स आपका x1, एक ये वेक्टर हो जाएगा आपका नॉन जीरो वेक्टर, सच दैट ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। अगर आपका एक्स जो है
ये जो नॉन जीरो वेक्टर आपने लिया है ये अगर इस चीज को सेटिस्फाई करता है, मतलब ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स हो रहा है, तो ये जो लेमडा है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू हो जाएगा इस मैट्रिक्स ए की। हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ठीक है, अब देखिए इस वाले इक्वेशन से ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स ठीक है, यहां से हम लोग ये भी मैट्रिक्स है और इधर अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से वो करते हैं एन क्रॉस एन की, तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं ए एक्स माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपका हो जाएगा ए माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू जीरो। अब ये तो आपका नॉन जीरो हमने ले रखा है, तो यहां से आपका आ गया ए माइनस लेमडा आई। तो लेमडा आपको निकालनी है वैल्यू, तो इन जनरल मैं इसको एक वेरिएबल में मान सकती हूँ, ए माइनस लेमडा की जगह क्या रख दें, स्मॉल एक्स रख लेते हैं ठीक है। और इसका जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे उसको जीरो के इक्वल अगर पुट कर देते हैं, तो ये जो आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और ये जो आपका डिटर्मिनेंट आएगा इन वेरिएबल एक्स, तो ये जो निकल के आएगा ये हमारा हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ठीक है। इक्वेशन आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई इक्वल टू जीरो, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, इक्वेशन और पॉलिनोमियल दोनों अलग अलग होते हैं। अब यहां से आप सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, तो जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो आपकी इसकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी किसी भी मैट्रिक्स की, और फिर उस आइगन वैल्यू को इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे और जो एक्स कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालेंगे वो आपके आइगन वेक्टर हो जाएंगे कोरस्पोंडिंग टू दैट आइगन वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम। केले हैमिल्टन थ्योरम ओके सो ये जो थ्योरम है वो कहती है कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मींस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मींस अगर आपके पास में एक एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है जिसको मैं नाम दे रही हूँ ए, और इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है सपोज एक्स टू द पावर एन, क्योंकि ये एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है इसलिए आपके पास में एन डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा। सो एक्स टू द पावर एन कुछ यहाँ पे ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट प्लस ए नॉट इक्वल टू जीरो, इस टाइप का कोई एक आपके पास में, सॉरी ये यहाँ पे इक्वल टू जीरो नहीं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। सो हमारा यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं लिखेंगे हम लोग, हाँ तो ये जो हमारा हो गया ये आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, सो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब अगर इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में हम लोग ए को पुट कर दें, तो ए को अगर हम पुट करेंगे तो आपका ए टू द पावर एन प्लस ए वन ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट प्लस ए नॉट टाइम्स आइडेंटिटी इक्वल टू जीरो हो जाएगा ठीक है। सेटिस्फाई का मतलब है कि ये जो आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दे दिया है इसमें अगर आप ए को पुट करेंगे तो वो आपको जीरो देगा ठीक है ओके। तो ये आपका था केले हैमिल्टन थ्योरम। फिर नेक्स्ट आपका आता है मिनिमल पॉलिनोमियल ठीक है। हम कुछ बेसिक बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो एक बार देख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो रिजल्ट्स होंगे है ना वो हम लोग कर लेंगे। मिनिमल पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल आपका क्या होता है,
एक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, और उस पॉलिनोमियल की क्या खासियत होती है, ये स्मॉलेस्ट डिग्री का होता है, तो द स्मॉलेस्ट डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल, स्मॉलेस्ट डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल विच एनिहिलेट्स द मैट्रिक्स इज कॉल्ड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास में एक तो मिनिमल पॉलिनोमियल और एक एनिहिलेट, ये दो वर्ड आए हैं। सो मोनिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, एक आपके पास में अगर पॉलिनोमियल है तो उसका जो लीडिंग कोफिशियंट है वो वन होना चाहिए। जैसे नॉर्मली हमारा अगर जो इन जनरल हम पॉलिनोमियल को डिनोट करें तो आपका होता है an xn + an x^n-1, ये आपका एक जनरल हम लोग जनरली डिनोट करते हैं किसी पॉलिनोमियल को। अब अगर यहाँ पे an = 1 हो जाता है, ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं कि आपका ये मोनिक पॉलिनोमियल है, मतलब जो लीडिंग कोफिशियंट है वो आपका 1 है, देन हम बोलेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है आपका मोनिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ओके। और एनिहिलेट का मतलब है कि ये जिस मोनिक पॉलिनोमियल की आप लोग बात कर रहे हैं उसमें अगर आप ए को पुट करेंगे तो वो आपको 0 देगा, ठीक है। तो आपके पास में एक मोनिक पॉलिनोमियल है जो स्मॉलेस्ट डिग्री का है, सच दैट वो आपकी मैट्रिक्स को एनिहिलेट कर रहा है। मीन्स आपके पास में अगर आप एक पॉलिनोमियल पी एक्स को मिनिमल पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, मिनिमल पॉलिनोमियल, तो इससे छोटी डिग्री का आपके पास में कोई भी मोनिक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेगा, सच दैट वो आपकी मैट्रिक्स को एनिहिलेट करे, मतलब इस उस पॉलिनोमियल में अगर आप मैट्रिक्स पुट करें तो वो आपको 0 दे, ठीक है। तो ये आपका मिनिमल पॉलिनोमियल हो गया, ओके। नेक्स्ट आपका जो आता है रिजल्ट, आपका जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है, मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, डिवाइड्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो एक और कंसेप्ट आता है वो आता है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। हमने आइगन वैल्यू डिफाइन कर ली है, उसके बाद में आपका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, इनको इन शॉर्ट हम AM और GM से डिनोट करते हैं। तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी तो आपका सिंपली क्या होता है, सपोज एक लैम्डा है आइगन वैल्यू ऑफ एक मैट्रिक्स एन क्रॉस एन की, ठीक है। तो अब ये जो लैम्डा है ये आपका कितनी बार रिपीट हो रहा है, मीन्स आपका AN क्रॉस N का मैट्रिक्स है तो इसके कुछ ना कोई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। सपोज उसको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इस टाइप से हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग वैल्यू आइगन वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, मीन्स जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, और उसके बाद में हम एक्स की वैल्यूज निकालेंगे, और जो वैल्यूज आएंगी वही हमारी आइगन वैल्यू होती है। तो अब इस एक्स की वैल्यू सपोज करो आपके पास में एन डिग्री का है, तो λ1 समथिंग λ2, हमारे पास एटमोस्ट एन आइगन वैल्यूज आ सकती है, ठीक है, ओके। अब सपोज आपके पास में λ1 λ2 λ3 सेम आ रहा है, λ1 λ2 λ3 सेम आ रहा है, इसको सपोज कुछ आप आर के इक्वल मान लो, तो यहाँ पे आपके पास में ये जो आर है ये कितनी टाइम्स आया, 3 बार। तो ये जो 3 बार आपका आर आया है ये आपकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हो गई, ठीक है। तो आपकी एक आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट कर रही है वही उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है, ठीक है। अब एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हो गया, नेक्स्ट आपका आता है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। सो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आपकी कुछ नहीं होती है,
ये आपका आइगन स्पेस होता है एक मैट्रिक्स का, या फिर लीनियर ऑपरेटर की बात करें तो जो आपका आइगन स्पेस होता है वही आपका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि आइगन स्पेस क्या होता है। आइगन स्पेस, तो आइगन स्पेस आपका किसी लेमडा के कोरस्पोंडिंग होगा। ठीक है, तो सपोज लेमडा बी आइगन वैल्यू ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर टी, देन आइगन स्पेस आपका इस लेमडा के कोरस्पोंडिंग, सपोज इसको मैं डब्ल्यू लेमडा से डिनोट कर रहे हो, तो इसमें वो सारे आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे। तो आइगन वेक्टर हमारे कहाँ से बिलोंग करेंगे? वी से। ठीक है, वेक्टर स्पेस से, सच दैट टी ऑफ एक्स इक्वल टू लेमडा ऑफ एक्स आपका होगा। मीन्स इस लेमडा के कॉरस्पोंडिंग जो आपके आइगन वेक्टर्स होंगे उनका जो सेट होता है वही आपका आइगन स्पेस होता है, कॉरस्पोंडिंग टू दिस लेमडा। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो बेसिकली ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आपका नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कॉरस्पोंडिंग टू दिस लेमडा। ठीक है, नंबर ऑफ एल आई आइगन वेक्टर्स ऑफ लैम्डा। तो इस लैम्डा के कोरस्पोंडिंग जो आपके आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं उन सबका आप कलेक्शन ले लेते हो, वही आपका आइगन स्पेस होता है, उसी को हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो एक मतलब हमने डेफिनेशन देख ली। अब अगर हमें ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालना हो तब, तो उसका भी आपका एक फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है आपका? जीएम ऑफ लैम्डा, ये आपका होता है एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, जहां पे एन आपका इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, मतलब ए एन क्रॉस एन की आपके पास में मैट्रिक्स है। तो एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई जो निकालेंगे वही आपका जीएम होता है इस लैम्डा के कोरस्पोंडिंग। और अगर आपके पास में कोई आइगन स्पेस की बात करता है तो मतलब ये इस फॉर्मूला से आप बता सकते हैं आपके पास में कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे कोरस्पोंडिंग टू दिस लैम्डा। ठीक है, यही आपका आइगन स्पेस और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होता है। ठीक है, अब अगर आपके पास में डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है, सपोज लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन, सच दैट आपके लेमडा आई इज नॉट इक्वल टू लेमडा जे, है ना। अगर आपके पास में अलग अलग सारे आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स आएंगे वो सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। सो एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक जो पॉलिनोमियल हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसका एक जनरल तरीका भी होता है। जैसे अगर हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है ना, सपोज 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है ए बी सी डी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वो आपका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से आपका ट्रेस भी निकल सकता है ए प्लस डी, और डिटरमिनेंट भी आप 2x2 का इजीली निकाल सकते हो। तो ये जो आपका हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा ऑफ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स। अब अगर आपके पास में 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपका क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस ट्रेस ऑफ एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू एक्स माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसी टाइप से 4x4 में, 5x5 में, एन क्रॉस एन के लिए आपका इन जनरल फॉर्मूला होता है। तो वो आपका क्या होता है? खैर उतने बड़े के हमारे काम नहीं पड़ता है, बट फिर भी एक बार हम लोग देख सकते हैं। तो ये आपका होता है एक्स टू द पावर एन माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स टू द पावर
एन माइनस वन, कोई भी आपका जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है उसमें अगर एन क्रॉस एन की हम बात कर रहे हैं तो एक्स टू द पावर एन माइनस वन का जो कोफिशियंट होता है वो माइनस टाइम्स ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स होता है, और लास्ट का जो कोफिशियंट होता है वो हमारा डिटर्मिनेंट होता है। अब उसके आगे प्लस या माइनस आएगा वो अकॉर्डिंग टू आपका एन होगा। जैसे यहाँ पे एन इक्वल टू टू था तो यहाँ पे प्लस आ गया, थ्री था तो माइनस आ गया, इस हिसाब से आपका प्लस माइनस उसके आगे आता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट आपका आता है ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए एक्स टू द पावर एन माइनस टू, ठीक है, माइनस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री, और इसी टाइप से चला जाए, प्लस माइनस होते लास्ट में माइनस वन टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये आपका एक जनरल फॉर्म होता है किसी भी मैट्रिक्स का करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए, जहां से आप इजी निकाल सकते हो। आई थिंक सबको पता ही होगा कि अगर हमारे पास लेमडा वन, लेमडा टू, लेमडा एन सपोज आइगन वैल्यूज हैं किसी मैट्रिक्स ए की एन क्रॉस एन ऑर्डर की, तो आपका जो ट्रेस होता है इस मैट्रिक्स का वो आपका क्या होता है, सम ऑफ दिस आइगन वैल्यूज, मतलब लेमडा वन प्लस लेमडा टू प्लस लेमडा एन, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, इन आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट। ठीक है, सो लेमडा वन इंटू लेमडा टू इंटू लेमडा एन, तो आइगन वैल्यूज का सम आपका ट्रेस होता है और इनका जो प्रोडक्ट होता है वो डिटर्मिनेंट हो जाता है। ओके, और आपके पास में सपोज लेमडा एक आइगन वैल्यू है, ऑफ मैट्रिक्स ए, तो अगर आप ए टू द पावर एन की आइगन वैल्यू की बात करेंगे तो लेमडा टू द पावर एन जो है वो आइगन वैल्यू हो जाएगी, लेमडा टू द पावर एन आइगन वैल्यू हो जाएगी ए टू द पावर एन की, वन अपॉन लेमडा जो है वो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू हो जाएगी, के टाइम्स लेमडा जो है वो आइगन वैल्यू हो जाएगी के टाइम्स ए की। ठीक है, और अगर आपके पास में कोई ए का कोई पॉलिनोमियल दे रखा है और ए की आइगन वैल्यू आपकी लेमडा है तो पॉलिनोमियल ऑफ ए की जो आइगन वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, पी ऑफ लेमडा। नेक्स्ट, अगर आपकी किसी मैट्रिक्स में, ठीक है, अगर आपके पास में ये कोई मैट्रिक्स दे दिया है और इसमें हर एक रो का इनका जो सम है, अगर एक ही नंबर आ रहा है, सपोज सी 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 आ रहा है सारी रोज का सम, तो आपके पास में वन आइगन वैल्यू हो जाएगी सी, या फिर किसी एक कॉलम का, सॉरी सारे कॉलम्स का सम जो है वो कोई एक की नंबर आ रहा है तो उसकी एक आइगन वैल्यू वो नंबर हो जाएगा। जैसे सपोज आपके पास में सारी रोज का जो सम है वो सिक्स आ रहा है तो इस मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू आपकी सिक्स हो जाएगी, या फिर सारे रो जो कॉलम है इनका सम आपका कुछ टू आ रहा है तो इसकी एक आइगन वैल्यू आपकी जो हो जाएगी टू हो जाएगी। और अगर किसी मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की, इसकी सारी एंट्रीज सेम है, ठीक है, सपोज ए ए ए ए इस टाइप से इसकी सारी एंट्रीज क्या है, सेम है, तो आपकी इसकी एक आइगन वैल्यू तो आपकी क्या हो जाएगी, एन टाइम्स ए, ठीक है, एन टाइम्स ए, क्योंकि सबका रो का सम क्या आएगा, ए प्लस ए प्लस ए, एन क्रॉस एन की है, एन टाइम्स एक आइगन वैल्यू जाएगी और बाकी सारी जो आइगन वैल्यू जो जाएंगी वो जीरो हो जाएंगी, मीन्स एन टाइम्स ए जो है वो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी वन के साथ आइगन वैल्यू होगी और जो जीरो आइगन वैल्यू होगी वो आपकी एन माइनस वन एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के साथ होगी। ठीक है, ओके, अब अगर आपकी कोई डायगोनल, सो नेक्स्ट आपका आता है कि आपके पास में कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स आपकी कुछ डी वन डी टू इस टाइप से हो जाएगी, तो इसकी जो आइगन वैल्यूज हो जाएंगी वो डी वन डी टू डी एन, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स है वही हो जाएंगे। और अगर आपके पास में कोई अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो आपका कुछ इस टाइप से हो जाएगा ए वन वन ए टू टू ए एन एन
और यहाँ पे कुछ आपके पास में नॉन जीरो एंट्रीज आ जाएंगी। इसकी आइगन वैल्यूज भी आपकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वही हो जाएंगी। तो डायगोनल मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज हो जाती हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हम डायगोनलाइजेशन के बारे में बात करते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है या कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम कब बोलेंगे कि डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, तो अगर हम मैट्रिक्स की बात करें कि एक मैट्रिक्स है आपके पास में उसको हम कब डायगोनलाइजेबल बोलेंगे, तो उसके लिए सपोज मैं एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए की बात कर रही हूँ, तो इसको हम डायगोनलाइज कर सकते हैं, कैन बी डायगोनलाइज्ड इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P such that P inverse AP equal to D, और जहां पे D आपका क्या हो जाए एक डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आप किसी मैट्रिक्स के डायगोनलाइजेबल के बारे में बात कर रहे हैं तो उस मैट्रिक्स के लिए अगर आपके पास में एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P ऐसा एग्जिस्ट करे सच दैट आप पी इनवर्स ए पी को सम डायगोनल मैट्रिक्स के रूप में लिख पाओ, तब हम बोल देंगे कि ये जो मैट्रिक्स है आपका डायगोनलाइजेबल है। ये तो आपका मैट्रिक्स के फॉर्म में हो गया। अगर हम लीनियर ऑपरेटर की बात करें, मीन्स अगर टी आपका वी से वी एक लीनियर ऑपरेटर है जहाँ पे वी आपका वेक्टर स्पेस है ओवर सम फील्ड एफ, तब हम इस टी को बोलेंगे टी इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल। ओके, इफ देयर एग्जिस्ट ए बेसिस, ओके, सच दैट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस टी विद रिस्पेक्ट टू सपोज इस बेसिस को मैं बीटा नाम दे रही हूँ, विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस बी बीटा इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। अगर आपके पास में एक लीनियर ऑपरेटर है उसके लिए अगर आपको एक ऐसी बेसिस मिल जाए जिसके रिस्पेक्ट में अगर आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखे और वो मैट्रिक्स है वो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स अगर आ जाती है, तो उस लीनियर ऑपरेटर को हम बोल देते हैं कि आपका डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये तो था इसकी बेसिक डेफिनेशंस। अब कब कब क्या क्या कंडीशन होंगी तो उस केस में आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आपकी जो मैट्रिक्स है लीनियर ऑपरेटर है वो आपका डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो हमारे पास में रिजल्ट आता है वो आता है आपके पास में एक मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की, इसको हम डायगोनलाइजेबल बोल सकते हैं या इसको डायगोनलाइज कर सकते हैं कब, इफ एंड ओनली इफ इट हैज एन लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज। ऑफ मैट्रिक्स, अगर आपकी जो मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर आपके पास में एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो आपको एन लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है। और अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है इसका मतलब उसके आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास में एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर सेकेंड नंबर पे आता है कि एक मैट्रिक्स है इसको हम डायगोनलाइज कर सकते हैं इफ एंड ओनली इफ जीएम, ठीक है, जीएम ऑफ लेमडा आई इज इक्वल टू ए एम ऑफ दैट लेमडा आई। ठीक है, मीन्स अगर आपकी जो आइगन वैल्यूज हैं उनकी ए एम और जी एम इक्वल हो रही हैं तो उस मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइजेबल बोलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आपका आता है कि कोई मैट्रिक्स है उसकी, उसको हम डाइगलिजिबल बोलेंगे अगर ए एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, इसको डाइगलिजिबल बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल स्प्लिट्स इनटू स्प्लिट्स इनटू नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स मीन्स अगर आपका सपोज मिनिमम पॉलिनोमियल इस टाइप से मैं डिनोट कर रही हूँ एम ए ऑफ एक्स, इसमें एक्स माइनस समथिंग सपोज इसकी एक्स माइनस ए टू द पावर 2 आ रहा है, तो यहाँ पे आपका इस ए के कोरस्पॉन्डिंग आपका जो फैक्टर आ गया वो पावर 2 आ गया है, यहाँ पे ये लीनियर फैक्टर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जिस मैट्रिक्स का इस टाइप का लीनियर सॉरी मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो कभी भी आपकी डाइगनेजेबल नहीं होगी, अगर डायगोनिजेबल है तो इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है उसमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर फैक्टर्स आएंगे, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो आपकी मैट्रिक्स जो है वो डायगोनिजेबल नहीं होगी, ठीक है। फिर आपका आता है कि अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज, सारी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, ऑल आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, तो आपका जो ए है वो डायगनिजेबल होता है, ठीक है। ये इफ एंड ओनली केस नहीं है, मींस सिर्फ अगर आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं तो आपकी डायगनिजेबल होगी, अगर डायगनिजेबल है मैट्रिक्स तो आप ये कह नहीं सकते हैं कि उसकी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट होगी, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अभी जो तीन हमने पढ़े वो इफ एंड ओनली इफ केस थे, बट ये जो केस है ये इफ एंड ओनली इफ आपका नहीं होता है, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट आपका आता है जो आपके रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं वो ऑलवेज आपकी डायगोनलाइजेबल होती है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज डायगोनलाइजेबल, जहां पे आपको रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाए उसको आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये डायगनिजेबल है। फिर आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स आता है, तो जो निलपोटेंट मैट्रिक्स है आपका, निलपोटेंट मैट्रिक्स है उसको आप डायगनाइज कर सकते हैं इफ एंड ओनली इफ ये जो निलपोटेंट मैट्रिक्स है वो जीरो मैट्रिक्स हो, इफ एंड ओनली इफ जीरो मैट्रिक्स, अगर आपके पास में एक नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स मिल जाए उस केस में आप मैट्रिक्स को डायगनिजेबल नहीं कर सकते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स को, तो निलपोटेंट मैट्रिक्स आपका तभी डायगनिजेबल होगा जब वो जीरो मैट्रिक्स हो जाता है।